हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो जो हमारा साइंस है, क्लास टेंथ का साइंस हमारा चल रहा था, इसके 5 चैप्टर यानी पूरी केमिस्ट्री हम इसकी कवर कर चुके हैं। अब इसका 6वें चैप्टर से इसके आपके 4, 6, 7, 8, 9, ठीक है, आपके 4 चैप्टर जो हैं आपके बायोलॉजी के दिए हुए हैं, बायोलॉजी के मिलेंगे आपको। तो अब हम बायोलॉजी कवर करेंगे 4 चैप्टर, जल्दी से जल्दी आपकी बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम यानी होता है आपका लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं हम जैव, जैव यानी होता है सजीव, तथा अजैव, अजैव होता है आपका निर्जीव, वे कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव? अगर आप इस प्रकार से कहेंगे कि हम लोग चलते हैं तो सजीव हैं, तो क्या गाड़ी नहीं चलती क्या? तो फिर वो सजीव हैं क्या? तो देखिए, समझिए आपके आखिर किस किन चीज़ों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि हम सजीव हैं, बाकी आपकी चेयर है, गाड़ी है, निर्जीव है। तो देखिए, यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सब क्या है, सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहा है तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? तो देखिए, अगर गाय जुगाली करती है यानी वो गाय जुगाली करने यानी जैसे गाय पहले खाना खाती है और फिर मुँह में वापस ले आके चबाती रहती है वापस लेके, तो उसको कहते हैं जुगाली करना। या फिर गली में एक इंसान जोर से चीखता है, फिर कुत्ता दौड़ता है, तो अगर इस स्थिति में हम सजीव समझते हैं, तो अगर चीज़ें जब सो रही होती हैं, अगर कुत्ता सो गया तो वो दौड़ेगा नहीं, अगर गाय सो रही है तो वो जुगाली नहीं करेगी, अगर इंसान सो रहा है तो वो जोर से चिल्लाएगा नहीं, तो क्या फिर भी कहेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि हम उन्हें सांस लेते देखेंगे और जान लेंगे कि सजीव है? तो देखिए, जो जैसे गाय, कुत्ता और जो इसमें इंसान है आपका, चल फिर नहीं रहा है, सो रहा है, ठीक है, सो रहा है, तो फिर भी आप कहते हैं सजीव। कैसे कहते हैं? क्योंकि तब आप देखते हैं कि इनकी सांस चल रही है। अब आप इसको सांस के आधार पर करेंगे कि सांस चल रही है तो ये सजीव है। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वह सजीव है? तो एक चीज़ देखिए, गति कर रहा हो कोई चीज़, दूसरी चीज़ सांस लेना, इनसे हम जान जाएंगे कि सजीव है। अब तीसरी चीज़ इधर पे आप देखेंगे तो देखिए, हम पेड़ पौधों को कैसे जानेंगे कि सजीव है? अब समझ रहे हैं आप बात कि पेड़ पौधों को कैसे जानेंगे? तो देखिए, हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखाई देते, तो एक ये तो कोई चीज़ नहीं हुई कि कोई चीज़ हरी दिखाई दे रही है तो वे सजीव है। कोई चादर आपका डला है जो बिस्तर पे, वो अगर हरे कलर का है तो क्या वो सजीव है? या फिर आपका कुछ भी चीज़ है, दीवार आपके पेंट है, कलर पेंट है आपका, जो आपका दीवार है उस पर हरे कलर का पेंट है, तो क्या आप उसको सजीव कह लेंगे? तो हरे कलर पे आधार पर हम पेड़ पौधों को सजीव नहीं कहेंगे। लेकिन उन पौधों के बारे में आप क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं? तो अब कुछ पौधों की पत्तियां हरे रंग की भी नहीं होती हैं, तो ये चीज़ इधर पे आप दिक्कत कर गई। अब ये समय के साथ वृद्धि करते हैं। मेन चीज़ क्या है कि वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। हम भी कुछ समय तक वृद्धि करते हैं, जैसे 18 साल तक, 17 साल, 20 साल, इस प्रकार से हम भी वृद्धि करते हैं। तो अब मेन चीज़ क्या है, पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं जिससे हम जान जाएंगे कि ये सजीव हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सजीव है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों का विचार करते हैं। यानी देखिए, पहले हम देखेंगे कि गति हो रही है, ठीक है, तो गति यानी ये नहीं कि भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गति हो रही है, वो वाली गति नहीं, जैसे आपका सांस चलना गति है, ठीक है, और आपका जैसे चिल्लाना, कुत्ते का भौंकना, गाय का जुगाली करना, ये सब आपकी गतियां हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती, तो गति जरूरी नहीं कि आपकी सड़क पे ही हो या सांस लेने वाली हो, गति वृद्धि संबंधी भी हो सकती है, यानी धीरे धीरे हम लोग लंबाई में बढ़ते हैं तो वो भी आपकी एक गति है। लेकिन वह पौधे भी सजीव हैं जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। तो पौधों में भी क्या होता है, जैसे पौधे एक समय तक तो बढ़ते हैं लेकिन वो भी एक समय पर बढ़ना बंद हो जाते हैं। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, सांस ले रहे लेकिन देख नहीं पाएंगे हम कि ये सजीव, वो इनमें सांस चल रही है तो वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन की परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी अगर हम सोचें कि हम जो गति दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर हम चीज़ों को डिफाइन कर दें कि सजीव या निर्जीव, तो हम उसके आधार पर नहीं कर सकते। यानी हम ओनली देखने वाली गति को इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं कि जो गति हमें दिखाई दे रही है उसके आधार पर हम बोल दें कि सजीव और निर्जीव, ठीक है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती, यानी बहुत ही सूक्ष्म आपके जो जीवाणु हैं, ठीक है, एक कोष के जीव हैं, तो क्या उनमें आप गति देख सकते हैं? आप उनको तो खुद ही नहीं देख सकते हैं, उनको ही नहीं देख सकते, तो उनमें चलने वाली सांस कैसे देखेंगे? तो
तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सजीव है। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, जो हमारे अणु मैंने अभी आपको बताया है, अणुओं की गति क्या यह आदर्श आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? तो बिल्कुल जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञान से करें तो उनका उत्तर सकारात्मक होगा, यानी वो बोलेंगे कि हाँ जरूरी है गति। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती। तो देखिए जो विषाणु होते हैं उनमें आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। जैसे हमारे जुखाम के विषाणु हैं तो क्या होते हैं, अगर वे अपने अंदर जाके कोशिका में जब तक नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, गति नहीं करते। लेकिन जैसे ही अगर उन्हें कोशिका मिल जाए अपने शरीर में अंदर जाने के बाद, तो वो वैसे ही आपको जुखाम कर देते हैं, ठीक है। अतः इसी कारण यह विवाद माना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव है या निर्जीव। तो विषाणु के लिए बोल रहा है कि सजीव है या निर्जीव। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं? तो देखते हैं जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं। पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित है, उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएँ होती हैं। देखिए ऊतक होंगे, ऊतकों के अंदर कोशिकाएँ होंगी, ठीक है। यानी जो हमारे कोशिका होती है, कोशिका इकट्ठी होने के बाद ही तो आपके ऊतक बनते हैं। कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं, ठीक है। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अब व्यवस्था टूटना यानी अगर आपका बॉडी है और बॉडी में से कोई आपका पार्ट चला जाता है बॉडी से, यानी व्यवस्था आपकी बॉडी की टूट रही है, तो क्या आप अधिक समय तक जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो बस यही चीज बताई गई है। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। मरम्मत यानी अगर कोई चीज़ आपको लग जाए, जैसे आपके पैर में कोई चोट लग गई, पैर आपका थोड़ा बहुत कट गया, उधर से खून ऊन निकल रहा है, तो अगर खून की मरम्मत यानी उस चोट की मरम्मत नहीं हो, वो चोट आपकी बनी रहेगी, तो उसमें तो तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होगी और आप जल्दी से मर जाएंगे। तो देखिए अगर चोट लगती है तो उसको मरम्मत की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ हमारी बॉडी को अनुरक्षण यानी रख रखाव की ज़रूरत है। अगर हम अपनी बॉडी का रख रखाव नहीं करेंगे तो उससे भी आप में बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी और आप ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये सभी संरचनाएँ अणुओं से बनी है। बिल्कुल संरचनाएँ जो है आपकी अणुओं से बनी है, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। तो सबके लिए मरम्मत और अनुरक्षण की जरूरत होती है, ठीक है, चाहे वो सजीव हो आपका चाहे जो हो, तो अनुरक्षण की जरूरत है। देखिए सजीव में अनुरक्षण प्रक्रम क्या है, आइए खोजते हैं। तो सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम देखते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है यानी लाइफ प्रोसेस क्या है? जीवों का अनुरक्षण यानी जीवों का रखरखाव कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब भी कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, जब हम सो रहे होते हैं अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का कार्य चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मेन चीज इधर पे इसकी बात कर रहा है, देखिए अनुरक्षण मीन्स होता है रखरखाव। अब दूसरी चीज सुनिए, इसमें बोल रहा है जब हम सो रहे होते हैं तो भी अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है। अब जब हम सो जाएंगे तो क्या हमारा जो सांस लेना है वो बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। अगर सांस लेना बंद होता है तो आप मर जाएंगे, ठीक है। और अगर सांस आपकी चलती रहेगी तो अनुरक्षण वाली मतलब आपकी बॉडी का रखरखाव हो रहा है, यानी सांस आप अच्छी तरह से ले रहे हैं। और जब आप सांस अच्छी तरह से लेंगे तो चाहे आप सो रहे हो चाहे जग रहे हो, हर समय लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ अनुरक्षण है, यानी हमारी बॉडी का रखरखाव हो रहा है अच्छी तरीके से। तो जो भी आपका वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी जैसे आपके खाने का पचना, सांस लेना, ठीक है, और उत्सर्जन, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं आगे आगे हम देखते जाएंगे, सब अपने अनुरक्षण का कार्य करती हैं हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है। अब बाहर से इनका क्या मतलब है कि मतलब एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो बाहर से आने का मतलब है अगर हम बाहर से बॉडी के अंदर खाना नहीं भेजेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो क्या फिर भी आपको वही एनर्जी मिलती है जो आपको पहले मिल रही हो?
क्या भूख आपको लगती है तो आप खाना खाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो वो आप जो खाना खाते हैं वो बाहर से ही तो आप अपने मतलब अंदर ले जा रहे हैं बॉडी में, तो उसी से तो आपको ऊर्जा मिलेगी। और जो अपने ऊर्जा का स्रोत है वो आपका खाना ही तो है जो आप खा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया, तो इसमें बताया गया इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन, मतलब ऊर्जा का जो स्रोत है अपने लिए वो भोजन है, तथा शरीर के अंदर लेने की प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। अगर हम शरीर के अंदर हम भोजन को लेते हैं तो उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री का भी आवश्यकता होती है। यानी अगर जीव के शरीर में वृद्धि होती है तो अगर हमारी बॉडी में वृद्धि हो रही है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव भिन्न 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 प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। तो देखते हैं, जैसे अब इसमें मतलब हर वो तो है नहीं कि जैसे हम क्या करते हैं, हम खाना एक बार पेट में खाते हैं तो बाहर तो लाते नहीं है गाय भैंस की तरह, लेकिन गाय भैंस तो जुगाली करने के लिए वापस मुँह में खाने को लाती हैं, तो वो फिर धीरे धीरे उसको पचाती रहती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ बताई गई है कि जो आपका पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। आगे चीज़ें देखिए, चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण से नहीं है, यानी जो पर्यावरण है वो किसी एक जीव के नियंत्रण से नहीं है, या अतः ऊर्जा के बेबाह स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अणु के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के लिए खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है, तो सांस लेना कहलाता है। अब मेन चीज़ इधर पे देखिए चीज़ों को आप थोड़ी थोड़ी समझते जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब इधर पे चीज़ें आपको ये बता रहा है कि जैसे हम भोजन को अंदर खाते हैं, ठीक है, तो जो हम भोजन को खाते हैं, जो हमारे भोजन की पचने की प्रक्रिया होती है वो आपकी रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस चीज़ को तो आपको पता है, क्योंकि जो केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी चीज़ आपकी इधर पे उपचयन अपचयन जो अभिक्रियाएँ होती हैं अणुओं के विघटन यानी अणुओं के टूटने के लिए, यानी हम भोजन खाते हैं तो वो पूरा भोजन आपका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला बन जाती है। उपचयन यानी आपका होता है ऑक्सीकरण, और अपचयन होता है अपचयन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण यानी होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन होता है ऑक्सीजन का हटना, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना यानी हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन हटेगा, उसको कहते हैं हम उपचयन यानी ऑक्सीकरण। और जो आपका अपचयन होता है, अपचयन मीन्स होता है हाइड्रोजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का हटना। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि CO2O2 जो आपका सिस्टम होता है वो अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है, तो वही चीज है। और जैसे आपका है कि इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। तो हम ही ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। बाकी आपके जो पेड़ पौधे वो तो ऑक्सीजन लेते नहीं है, गाय भैंस आपके ऑक्सीजन लेते हैं। तो पेड़ पौधों के अलावा ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, और सब लोग लेते हैं, यानी जो आपके गाय भैंस और ये सब चीज़ें हैं आपकी, तो ये सब भी ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों से विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। यानी इनके कहने का मतलब है, अगर ऑक्सीजन आपके शरीर में अंदर जाती है तो वो क्या करती है, खाने को तोड़ने का काम करती है। तो उसको हम ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना, तो इसको हम श्वसन कहते हैं, ठीक है। और कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार, यानी हर एक कोशिका जो हमारी ये सांस लेती है, तो कोशिका हर एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो उसे जरूरत भी होती है ऑक्सीजन को, कोशिका को। आगे देखिए, एक एक कोशिकीय जीव को पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। जो आपका एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह जो होती है वो पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों को आदान प्रदान करने के लिए, या वृज पदार्थ को निष्कासन करने के लिए, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है आपका खाने का, उसको निष्कासन करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग हैं, तो देखिए हम लोग में हर जो हमारे बॉडी के अंग हैं
वो हर काम के लिए अलग अलग हैं। अब जैसे हमें कोई हमें चलना है तो हमारे लिए पैर दिए हुए हैं, ठीक है, अगर हमें सांस लेना है तो उसके लिए भी आपका अलग सिस्टम है अलग, अगर हमें खाना पचाना है तो उसके लिए आपका पूरे अलग अंग है उस चीज़ के, ठीक है। और जो आपका हार्ट होता है उसमें जो आपका ब्लड पंप करता है यानी ब्लड के वाहन के लिए भी आपका अलग सिस्टम है, तो आपके सिस्टम जो है अलग अलग होते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि आपकी जो कोशिकाएं वो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आप एक कोश की जीव है यानी उसके पास मात्र एक कोशिका है, यानी एक कोशिका में ही उसे यानी उसे एक सेल में ही क्या करना है, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तथा वज्र पदार्थ को निष्कासन करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। जब एक कोशिका है तो एक कोशिका में कितने विशेष अंग तो होंगे नहीं, तो वो एक कोशिका भी क्या करती है, क्या करती है, एक कोशिका भी सांस लेती है, भोजन करती है, भोजन का निष्कासन करती है वेस्ट मटेरियल का, यानी हर काम वो करती है। तो लेकिन इसमें चीज क्या होती है कि इसमें अलग अलग अंग नहीं होते हैं, कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तब शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, यानी जैसे क्या है, हमारे शरीर का आकार बढ़ता है तो शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है, तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती, यानी एक कोशिकीय जो है वो तो आपका सीधे संपर्क में रहेगा पर्यावरण से, लेकिन जो बहुकोशिकीय है उसके शरीर का आकार बढ़ेगा और फिर वो पूरी तरह से संपर्क में नहीं रहता है। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की पर्यावरण की पूर्ति नहीं कर सकते, यानी जो विसरण है हमारा, तो विसरण क्रिया के द्वारा आवश्यक यानी कोशिकाओं को आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, यानी किसकी, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाता है विसरण के द्वारा सभी कोशिकाओं को, ठीक है, इतनी चीज इधर पर बताई हुई है। इसके अलावा आगे देखिए, हम पहले ही देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न बहुकोशिकीय जीवों विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हम एग्जांपल अपनी बॉडी का लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर एक कार्य एक ही अंग से कर रहे हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन हैं अलग अलग काम करने के लिए। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उसके उनके संगठन से परिचित हैं, तो बिल्कुल हम परिचित हैं, अतः इसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतःग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, हम बॉडी से त्वचा से कहीं से भी ऑक्सीजन ले लिए या हाथ पैर से ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए भी तो क्या है, हमारे ऊतक है, हमारे अंग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है, कौन सी समस्या पैदा होती है देखते हैं। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट ऊतकों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। देखिए, अंतग्रहण यानी भोजन ऑक्सीजन का अंदर जाना तो विशिष्ट ऊतक के द्वारा होगा, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि विशिष्ट ऊतक के द्वारा अगर हो रहा है तो जिस ऊतक के द्वारा हो रहा है वही ऊतक अकेला ऑक्सीजन लेके रह जाए, या फिर वही ऊतक क्या करे अकेला खाना लेके बैठ जाए कि भाई मेरा खाना है मैं नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं होता है। पूरे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पूरे बॉडी को खाने की जरूरत होती है, हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हर एक कोशिका को भोजन की जरूरत होती है, ठीक है। परंतु शरीर के सभी भागों की इनकी आवश्यकता होती है, किनकी, भोजन और ऑक्सीजन की। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। वहन तंत्र आपका होता है ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन और भोजन जो आपका होता है, ठीक है, उसको पूरे बॉडी में ले जाने के लिए आपका वहन तंत्र होता है, यानी जो आपका बॉडी है पूरी बॉडी में जो आपका ब्लड एक नदी की तरह बहता रहता है, और अगर नदी में हम किसी चीज़ को डालते हैं तो आप समझ जाएंगे कि नदी में अगर किसी चीज़ को डालते हैं तो वो आगे की साइड बह के चला जाएगा। तो इसी प्रकार से आपकी बॉडी में इस प्रकार से पूरी नदी चलती रहती है ब्लड की, और जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन और भोजन को पूरी बॉडी में ले जाता है। तो जो ब्लड अपना काम कर रहा है ना उसको हम वहन तंत्र कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी हैं बल्कि भी हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। समझिए भाई, एक लाइन की बात है और कुछ नहीं है। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी हमने बॉडी में खाना खाया और जो बॉडी में खाना पचेगा अंदर, पचना यानी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, खाना का पचना रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम में दे देता है कभी कभी कि अगर खाना पचता है तो वो कौन सी अभिक्रिया, या फिर चार ऑप्शन देगा आपको, पूछेगा कि इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो अगर पचना आ गया कि खाने का पचना, तो वो रासायनिक अभिक्रिया आपकी होती है। तो अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तो
ऑक्सीजन का उपयोग होगा, ठीक है, खाने को पचाने में ऑक्सीजन का उपयोग होगा। अब देखिए मेन चीज क्या है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई उत्पाद बन रहा है तो वो आपका पूरा पूरा उत्पाद आपका उपयोगी हो, कुछ उत्पाद तो ऐसा निकलेगा कि वो अनुपयोगी हो जाएगा आपके लिए। तो जो शरीर की कोशिकाओं के लिए ना केवल अनुपयोगी यानी कुछ जो है प्रोटीन विटामिन आपके एक्साइड हो गए, ठीक है, और कुछ जो आपका बेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी के लिए अनुपयोगी है बल्कि भी हानिकारक भी है। और मेन चीज़ क्या है, अनुपयोगी वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो जो आपका बेस्ट मटेरियल है वो बेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में रह जाता है तो वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक भी है, विषैले पदार्थ भी उत्पन्न कर सकता है। तो उस बेस्ट मटेरियल को हमें निकालने की ज़रूरत रहती है, इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपका हानिकारक अनुपयोगी मटेरियल आपकी बॉडी में बचता है विटामिन वगैरह प्रोटीन वगैरह निकालने के बाद, ठीक है, तो उस मटेरियल को निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित होते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हर एक आपका जो आपका बॉडी है कोई ऊतक ऐसा नहीं है कि एक काम मतलब सारे काम वही कर दे, हर एक अंग आपका अलग अलग कार्य करता है। तो उत्सर्जन के लिए भी आपकी बॉडी में अंग अलग से होते हैं। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने के लिए होगी, यानी जो परिवहन तंत्र है यानी जो ब्लड है वो इस पूरे अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेगा, उस ऊतक तक पहुंचाएगा जो ऊतक उत्सर्जन तंत्र के लिए उत्सर्जन के लिए बना हुआ है। तो आपका जो पूरा बेस्ट मटेरियल है वो चला जाएगा। आइए इस जीवन का अनुरक्षण करने के लिए अवश्य प्रक्रम के बारे में, इसको छोड़िए, इसके प्रश्न दिए हुए हैं, पहले प्रश्न देखेंगे बाकी हम आगे चीज़ों को देखेंगे। तो आगे देखिए चीज़ों को, अब इसमें क्या है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है, यानी विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो मेन चीज आपकी क्या है, किधर पे आपका विसरण क्यों अपर्याप्त है, तो जो आपका विसरण है ना इससे क्या होगा कि जो आपका ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में अच्छी तरह से ऑक्सीजन वितरण नहीं कर पाता है विसरण के नियम से, ठीक है। तो जब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो पूरी क्या है, क्योंकि अब बॉडी में ऑक्सीजन आप कहेंगे कि क्यों नहीं जाएगा पूरी बॉडी में, तो मेन चीज़ क्या होती है, संरचना हमारी बॉडी की जटिल होती है तो इसी के कारण ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैल नहीं पाता है। और प्रत्येक सेल को आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, आपकी प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं यानी हम लोग हैं या बहुकोशिकीय जीव और हैं तो उनकी जो बॉडी की संरचना होती है वो कठिन होती है, और कठिन संरचना होने के कारण विसरण से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इसलिए विसरण अपर्याप्त होता है। कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे, तो देखिए पहली बात तो निरंतर गति का मतलब ये नहीं कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बिल्कुल गाड़ी आपकी ट्रेन दौड़ रही है, निरंतर गति का मतलब ये नहीं है। निरंतर गति का मतलब है कि अगर आप जाग रहे हैं तो आप हो सकता चल रहे हो सकता आप कुछ काम कर रहे हो सकता आप बोल रहे हो, तो आपकी गतियां तो हैं, लेकिन जब आप सोते हैं तो आप ना तो चलना करते हैं ना बोलना करते हैं ना कुछ करते हैं। लेकिन सोने में क्या है कि आपकी दिल हमेशा आपका धड़कता रहता है, इसके अलावा जो आपकी सांस है वो हमेशा चलती रहती है, तो ये सब क्या हैं और ये आपकी जो हैं गतियाँ ही हैं, और जो अणु होते हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो जो जीव है उस कच्ची सामग्री का उपयोग, तो देखिए अगर हम इधर पर पेड़ ले लें यानी पेड़ पौधे ले लें तो CO2 लेते हैं, ठीक है, CO2 के अलावा जल चाहिए उन्हें और खनिज चाहिए, खनिज यानी आपके जो कच्चे पदार्थ हैं वो भी चाहिए उन्हें। इसके अलावा जो आप क्या करेंगे उसको क्या करेंगे, कच्चे पदार्थों को क्या करते हैं स्टार्च में परिवर्तित कर देते हैं, किसमें, स्टार्च में। लेकिन मेन चीज़ इन्हें क्या है, एक तो क्लोरोफिल चाहिए यानी पत्तियों का कलर हला क्यों होता है, हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो एक तो इन्हें क्या करना चाहिए इन्हें क्लोरोफिल की जरूरत है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, उसके अलावा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी इनको लगती है। अब देखिए जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए अनुरक्षण जो है, एक तो हमें पोषण चाहिए, अगर हमें बॉडी का रखरखाव करना है तो हमें अच्छा पोषण करना है, यानी हमें खाना अच्छी तरीके से खाना होगा,
दूध पीना चाहिए, फल फ्रूट्स खाने चाहिए और दालें खानी चाहिए, यानी हर चीज़ हमें बॉडी में पोषण देना चाहिए। इसके बाद हमारी बॉडी में हमेशा गति रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाया पियो बढ़िया लेट गए बिल्कुल, मतलब किसी चीज़ से मतलब नहीं, तो उससे क्या होगा आपकी बॉडी में फैट बनता जाएगा, ठीक है। गति तो ऐसी है फिलहाल कि आपकी जो बॉडी की अंदर की गति है वो तो आपकी चलती रहती है, लेकिन हमें बाहर की गति भी करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आप श्वसन करते हैं वो आपकी गति में ही आ जाएगा। इसके बाद वृद्धि करना, ठीक है, और इसके बाद आपका उत्सर्जन, यानी हम वृद्धि भी करते हैं और जो हम खाना खाते हैं वो वेस्ट मटेरियल हम निकालते भी, यानी उत्सर्जन भी करते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब देखते हैं हम इधर पे, देखिए आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रक्रम है हम पोषण के बारे में देख लेंगे। इससे पहले मैं 5 मिनट की सांस ले लूँ, बहुत टाइम हो गया। देखिए चीज़ों को आगे देखते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मतलब गले में इतना चिल्लाना पड़ता है गले से कि एकदम गला दर्द करने लगता है, और फिर भी आप लोग ना तो शेयर करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देखने के बाद आपको पसंद आ ही रही है तभी तो आप देख रहे हैं पसंद आई तो, और इसके अलावा आप वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे। और चलिए आगे देखते हैं चीज़ों को, पोषण देखते हैं। पोषण, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं करते हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी अगर हम सांस लेते हैं तो हमें सांस लेने के लिए क्या है हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, यदि हमारी दिल की धड़कन चल रही है तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, अगर यदि हम टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं या हम साइकिल पर सवारी करें, यानी कुछ भी चीज़ करें तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चाहे आपके कम ATP बर्बाद हो, यानी कम ATP लगे चीज़ों में, लेकिन ATP तो आपके लगेंगे ही, तो यानी आपकी मतलब ऊर्जा तो आपको लगनी है आप चाहे कुछ भी करें, ठीक है। तो हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी अगर हमें बॉडी का अच्छी तरह रखरखाव करना है तो हमें रखरखाव करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वृद्धि विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ को हम खाते हैं वह भोजन है, जो अपनी ऊर्जा का स्रोत है और जिसको हम खाते हैं वो आपका भोजन है। और देखिए विकास यानी हमें बॉडी का विकास, बॉडी की वृद्धि यानी लंबाई, और प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन विटामिन जो हम खाते हैं तो बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी में अंदर ही प्रोटीन बन जाएगा, अंदर ही वृद्धि हो जाएगी, विकास हो जाएगा, हर चीज़ बन रही है उधर पर, ऐसा नहीं। हमें पदार्थों को बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम पदार्थों को बाहर से लेते हैं, तब हमारी बॉडी में अच्छी तरह से वृद्धि विकास प्रोटीन संश्लेषण हर चीज़ आपका होता रहता है। देखिए सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखते हैं सजीव अपना भोजन आखिर प्राप्त कैसे करते हैं। सभी सजीव में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है, यानी सभी सजीवों में क्या है ऊर्जा तथा पदार्थ की हमें आवश्यकता रहेगी। देखो ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ऊर्जा की आवश्यकता तो हमें पदार्थों की भी आवश्यकता होगी, तभी हमें ऊर्जा मिलेगी, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, ये जीव क्या होते हैं स्वपोषी होती है। तो देखिए इधर पर पेड़ पौधों की बात कर रहा है और मेन चीज़ आपको स्वपोषी, इधर पर गौर करिएगा आप, स्वपोषी आपको शब्द मिला हुआ है, तो जो स्वपोषी हैं तो ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे होते हैं आपके स्वपोषी। मेन चीज़ आप देख लीजिए कि जो स्वपोषी होते हैं इसका आपका जो परिभाषा है, यानी जो भोजन अपना खुद से बनाते हैं वो आपके स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तो देखिए खुद से भोजन बनाने का मतलब आपका किचन में जाने से मतलब नहीं है, खुद से भोजन बनाने का मतलब है जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो अपना खुद से भोजन बना लेते हैं, इसका मतलब है खुद से भोजन बनाना। अगर आप किचन में जाके खुद से भोजन बनाते भी हैं अपने हाथों से, लेकिन आप बैंगन आलू तो खुद से नहीं बनाते ना, वो तो आपको जमीन से, वो सॉरी पेड़ पौधों से ही मिलता है ना, ठीक है। तो पेड़ पौधे आपको जब बैंगन आलू या कुछ देंगे तभी तो आप बना पाएंगे। आप मछली वगैरह खाते हैं तो वो आप जीव जंतु तो खाते हैं तो वो आप खुद से तो बनाते नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं इनको आप भोजन बना के तो दे नहीं देते हैं, ये तो अपना खुद से भोजन करते हैं। कुछ जीव कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे पौधे तथा जल लेंगे अपनी जड़ों से जल प्राप्ति करते हैं, तो ये जीव आपके स्वपोषी कहलाते हैं। मेन चीज पेड़ पौधों की बात कर रहा है, जिनमें सभी हरे एवं कुछ जीवाणु आते, तो कुछ तो आपके जीवाणु आ जाएंगे
कुछ आपके वो सॉरी सभी हरे पौधे आ जाएंगे, क्योंकि हरे पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे हम इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है, ताकि खंडित करना यानी भोजन का पचना जरूरी है, ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। यानी देखिए, अगर हम जटिल भोजन खाते हैं तो वो पूरा भोजन तो आपकी बॉडी में जाके अंदर चिपक नहीं जाता, उससे वृद्धि तो होगी नहीं। उसमें क्या होगा कि कुछ भोजन आपका वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलेगा, बाकी कुछ जो भोजन है आपका वो आपका ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जिससे वृद्धि होगी आपकी बॉडी की। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो जो आपके एंजाइम होते हैं वो जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अतः विषम पोषी उत्तर जीविका के लिए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी परोक्ष, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कैसे भी हो, लेकिन रहेंगे भी स्वपोषी पर ही आश्रित, यानी पेड़ पौधों पर ही आश्रित रहेंगे। या फिर ज्यादा ज्यादा करो तो आप मछली मुर्गा खा लेते हैं लोग, तो वो भी स्वपोषी तो वो भी तो दूसरों पर आधारित है। यानी जो विषम पोषी है वो आपके उत्तर जीव का यानी खान पान के लिए स्वपोषी पर ही आश्रित रहते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषम पोषी जीवों में लेते हैं। तो जीव जंतु तो ठीक है, हम भी स्वपोषी में ही आते हैं, ठीक है, और कवक भी आपका इसी में आता है। इसके अलावा आगे देखिए, स्वपोषी पोषण तो क्या होता है आपका स्वपोषी पोषण। अभी अभी हमने देखा स्वपोषी जीव जंतु के बारे में, हमने थोड़ी बहुत चीजें देख ली हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी हो जाती है। तो जो कार्बन और उन्हें ऊर्जा चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद उन्हें कार्बन भी मिल जाता है, उन्हें ऊर्जा भी मिल जाती है। वह यह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी पदार्थ तो बाहर से लेता है, CO2 बाहर से लेगा, जल जड़ों से लेगा, प्रकाश सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेगा, ठीक है, बाहर से पदार्थ लेगा, लेकिन उसमें ऊर्जा में परिवर्तित उसको कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। यानी जो इसमें पदार्थ बता रहा है वो आपके किस प्रकार से लिए जाएंगे, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका जल है, तथा सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यानी जो आपका सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल उपस्थिति होती है, यानी उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम यह अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। तो इसको छोड़िए, आप आगे देखिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो तुरंत प्रयुक्त में नहीं लिए जाते हैं, लेकिन उनको मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। मंड होता है आपका स्टार्च। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति आपके अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजल के रूप में संचित हो जाता है। यानी ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने बॉडी में खाना खाया तो पूरी ऊर्जा बस जल्दी जल्दी से निकाल दी ऊर्जा, ऐसा तो है नहीं। ऊर्जा क्या होती है, संचित हो जाती है, और धीरे धीरे जब काम में आए तो आती रहती है। इसके अलावा आप इधर पर देख लीजिए, देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद जल, तो अब इधर पर क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी, जिसके कारण O2 यानी जो हमारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ेंगे, और बाष्प उत्सर्जन के द्वारा जो जल है वो इसके पत्तियों के रंध्रों के द्वारा, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं यानी छिद्र होते हैं, उनके द्वारा बाष्प के रूप में जल निकलता है पौधों से, ठीक है। वो जल आपका ऊपर की साइड उड़ जाता है, वो सब आपकी प्रक्रिया दूसरी है, ठीक है। तो वो जल जो आपका है वो निकलता है और ऊपर की साइड उड़ जाता है और ग्लूकोज आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होती है, O2 निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, ग्लूकोज निकल जाएगा CO2 और हाइड्रोजन से, और इसके अलावा क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति उधर पे आपकी होगी। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटना होती है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी घटना होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल, प्रकाश जो क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। दूसरी चीज, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। तो जो जल अणु होते हैं आपके वो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। इसके अलावा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो प्रकाश ऊर्जा जो हमने सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ली थी वो ऊर्जा आपकी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है।
कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, यानी इधर से आपका ऑक्सीजन हट जाता है, यानी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से आपका ऑक्सीजन हटेगा तो इसको हम अपचयन क्रिया कहेंगे। देखिए इधर पे CO2 है, इधर आपका ओनली O2 बचा, यानी इधर पे आपका क्या है ऑक्सीजन, सॉरी इधर पे आपका सी से हट गया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी टूट जाएगा, जल भी टूट जाएगा, तो ये आपकी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यह आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, यानी जल्दी जल्दी ये चरण आपके नहीं होंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे, यानी जो आपके छोटे छोटे पौधे होते हैं मरुद्भिद, यानी मरुस्थलीय पौधे, ठीक है। पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस मरुद्भिद को आप थोड़ा देख लीजिए, उस पर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, मुझे इसका निश्चित पता नहीं है कि क्या है। बाकी इसमें देखिए कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात्रि में लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, यानी बीच का उत्पाद बनाएंगे, पूरा उत्पाद अभी नहीं बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाएगा। अब देख लीजिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि में लेंगे, मध्यस्थ उत्पाद बनाएंगे यानी बीच का उत्पाद बनाएंगे, इसके बाद दिन में जो आपका क्लोरोफिल है ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद आपका बना देगा, यानी पूरे 24 घंटे की आपकी प्रोसेस चलती रहती है दिन रात की, ठीक है। 12 घंटे की प्रोसेस आपकी, 24 की तो नहीं कही जाएगी, रात और दिन में आपकी 12 घंटे की प्रोसेस चलती रहती है। आइए अब देखें कि उपयुक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो देख लेते हैं, यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करें, यानी उसको ध्यानपूर्वक देखें, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, यानी अगर हम पत्ती को ध्यान से देखें तो उसमें आपको छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे। ये हरे बिंदु आपके कोशिका अंग हैं, यानी कोशिका के अंग हैं, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट आपका पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। अब जो आपके कोशिका अंग हैं उनमें बिंदु कोशिका अंग दिखाई देंगे, उनमें आपके क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। आइए हम क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्यों? क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी नहीं होगी, और जो जो अपनी पेड़ पौधे की पत्तियों का हरा कलर होता है वो आपका क्लोरोफिल के कारण ही होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पत्तियों का हरा कलर किसके कारण होता है, तो वो आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। चीजों के इधर से देखिए, अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, कक्षा 9 में हमने रंध की चर्चा की थी। रंध मींस होता है छोटे छोटे छिद्र जो कि पत्तियों पर होते हैं, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, यानी जो CO2 होगा वो इसी छिद्रों के द्वारा लिया जाएगा अंदर, ठीक है, और आदान प्रदान यानी O2 इसी से छोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो आपका H2 यानी जल है जो वाष्प रूप में छिद्रों के द्वारा ही आपका वाष्पोत्सर्जन के द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं, लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंधों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, जो ये रंध होते हैं इनमें पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती रहती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है, यानी जितनी आवश्यकता है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और रंधों को बंद कर देगा। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब बाहर कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। अब देखिए जब सिकुड़ेंगी तो बंद तो होगा ही छिद्र, जब फूलेगा तो छिद्र अपने आप खुल जाएगा, यानी कोशिकाएं आपकी फूल जाएंगी। तो बस वही चीज इधर पर बताई गई है, इसमें दिखाया हुआ है, देखिए खुला छिद्र और आपका जो बंद रंध है इसको देखिएगा, इसमें देखिए आप कितना बड़ा सा द्वार है और इसमें देखेंगे आप तो इसमें कितना छोटा सा द्वार है। बस इसके अलावा आगे चीजें देखिएगा। उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि इसको छोड़ दीजिए आगे दिखेगा। अब हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। बिल्कुल, हम स्वपोषी को देख चुके हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं, यानी अगर उन्हें जल की आवश्यकता है तो जल देखिए आप ना तो वो पत्तियों से लेंगे ना तने से लेंगे, जल जो है जड़ से लेते हैं। मिट्टी में उपस्थित जो जल होता है वो जड़ों के द्वारा जल लिया जाता है पौधों के द्वारा। और दूसरी चीज देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम
सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। तो देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ही जरूरी होता है पौधों की वृद्धि के लिए, और जो फास्फोरस लोहा मैग्नीशियम हर चीज क्या करते हैं मिट्टी से कैरी करते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए किया जाता है। इसे कार्बनिक नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है तो मेन चीज क्या है कि नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में आपकी उपस्थित है तो पौधे जो सीधे हैं वो इसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी नाइट्रोजन है अगर मिट्टी में अगर उपस्थित है तो उधर की मिट्टी आपकी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होगी, तो सीधे नहीं लेते हैं। अब इधर पे आपका राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट का नाइट्राइट यानी नाइट्राइट में चेंज कर देता है नाइट्रोजन को, और जब नाइट्रोजन को नाइट्राइट में चेंज कर देता है तो पौधे उसे आसानी से ले लेते हैं। जो आपका राइजोबियम जीवाणु, इसको नोट कर लीजिएगा, राइजोबियम जीवाणु, उसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है, तो जो आपका जीवाणु है वो आपका कौन सा है, राइजोबियम है, तो इसको परिवर्तित कर देता है नाइट्राइट में, और जब नाइट्राइट में परिवर्तित कर देगा तो जड़ों के द्वारा नाइट्राइट आराम से ले लिया जाता है, ठीक है, पौधों के द्वारा, जिसके कारण पौधों में वृद्धि होती है और जो मिट्टी होती है वहाँ की बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है नाइट्रोजन के नाइट्राइट अगर उधर उपस्थित हैं। और जो आपके राइजोबियम जीवाणु है ना वो अक्सर पता है किधर पाए जाते हैं, वो अक्सर फलीदार पौधों में पाए जाते हैं यानी अक्सर दालों में आपके पाए जाएंगे, ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। ज्यादातर दालों में पाए जाते हैं यानी दालों की जड़ों में यानी फलीदार पौधे जो भी आपके हैं चना मटर वगैरह तो उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थ के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो जो जीवाणु का नाम है मैंने आपको बताया है कि राइजोबियम है, इसके अलावा वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बना देते हैं तो वो आपके नाइट्राइट बन जाते हैं, तो उन्हें आसानी से ले लिया जाता है पौधों के द्वारा। अब देखिए विषम पोषी पोषण देख लेते हैं, चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, तीन चार पार्ट में जाएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो विषम पोषी पोषण देख लेते हैं थोड़ा। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है, ठीक है ना, सब जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। अगर आप जिस जहाँ पर रह रहे हैं तो आप भी अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित हैं। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत आपका अचल है, ठीक, अचल यानी घास अगर आप खाते हैं, सॉरी आप नहीं खाएंगे, पहली बात तो आपके गाय भैंस जो खाते हैं, इसके अलावा हिरण, दोनों प्रकार जैसे मतलब अचल है यानी घास यानी चल नहीं सकता, लेकिन अगर हिरण है तो वो चल सकता है, ठीक है। और अगर आप क्या खाते हैं, कुछ लोग मांस मछली खाते हैं, तो दोनों प्रकार के भोजन का अभिगमन का तरीका भिन्न भिन्न होता है। तथा गाय तथा शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियाँ होती है। अब आप देखिए जैसे आपका शेर है, शेर तो आपका मांसाहारी होता है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि घास वगैरह खाएगा, वो तो जीव जंतुओं को खाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इधर पे देखिए आप जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, जैसे आपका फफूंद ईस्ट और मशरूम होता है, क्या करते हैं कि भोज पदार्थ को विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, इसके बाद उसका अवशोषण करते हैं। आदि कवक इसके उदाहरण है, तो कवक भी आ जाएगा इसमें। अन्य जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतग्रहण करते हैं। अब जैसे हम लोग हैं या गाय भैंस हैं, तो जैसे आपका गाय भैंस को ले लें या हम लोग हैं शेर को ले लें हिरण को ले लें, तो हम लोग जो पाचन शक्ति मतलब जो भोजन का पाचन होता है वो शरीर के अंदर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, संपूर्ण भोजन पदार्थों का अंतग्रहण करते हैं यानी भोजन को पहले अंदर ले जाएंगे शरीर के, इसके बाद उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसके अलावा देखिए जीव द्वारा किस भोजन का अंतग्रहण किया जाए तथा उनके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। तो देखिए उसके शरीर पर निर्भर करता है, घास फल कीट मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंदर के बारे में आप क्या सोचते हैं। कुछ अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति अमरबेल किलनी जू लीच और फीताकृमी सिरखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी। और इसके अलावा एक मिनट देख लेते हैं, तो इसका थोड़ा और देख लेते हैं, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। तो देखिए जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है। यानी देखिए हर जीव जंतु तो एक प्रकार से भोजन कर नहीं सकता, कि पेड़ पौधे हम सब भोजन का एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से पाचन कर रहे हैं भोजन का, तो वो रहा है कि उनके अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग होती है। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न होगा। अब अंतर्ग्रहण की विधि अलग होगी तो पाचन तंत्र भी अलग होगा।
एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, यानी किसी भी सतह से भोजन ले लिया जाता है। अब जैसे आपका अमीबा है तो कहीं से भी भोजन ले लिया जाएगा, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया। अब जैसे आप है तो आप तो भोजन मुंह से ही लेंगे, पैर और हाथ से तो भोजन अंदर कर नहीं देंगे अपनी बॉडी में, ठीक है। तो उनके भोजन क्या है, अलग अलग पाचन तंत्र पर एक कोश की जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ले लिया जाता है, एक कोश की, ध्यान रखिएगा। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विकसित हो जाते हैं, यानी जीव की जटिलता बढ़ना, जटिलता बढ़ने का मतलब है इधर से कि कोशिकाएं आपकी बढ़ी। अब जब कोशिकाएं बढ़ेंगी तो जीव की जटिलता बढ़ेगी, जटिलता बढ़ने के साथ साथ उनमें नए नए अंग विकसित होंगे। अंग विकसित होने के मतलब अलग अलग अंग होंगे उनके अलग अलग कार्य के लिए। उदाहरण के लिए अमीबा कोश की सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण कर लेता है, यानी अमीबा जो आपका होता है किसी भी आकार में आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। और जो अमीबा होता है ये क्या करता है, इसके जो उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्त होते हैं, यानी जब भोजन चाहिए तो इस प्रकार से उंगली से निकल आएंगे और भोजन को अंदर कर लेंगे, बाकी आपके गायब रहते हैं इनके प्रवर्त जो होते हैं उंगलियों जैसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, उसकी मदद से भोजन को ग्रहण कर लेता है। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं, यानी पहले क्या करेंगे भोजन के कणों को घेर लेंगे तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तियां बनाते हैं, फिर खाद्य रिक्तियां बनाएंगे, खाद्य रिक्तियां के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन करेंगे। सरल पदार्थों में किया जाता है, मतलब पदार्थ जटिल है तो उसको धीरे धीरे तो तोड़ के विघटित कर देंगे, सरल पदार्थों में बदल लेंगे और भी कोशिका द्रव्य विसरित हो जाते हैं, अंदर जाके पूरा आपका कोशिका द्रव्य फैल जाएगा। बचा हुआ अपच पदार्थ भोजन कोशिका की सतह की ओर गति करता है, यानी कोशिका के किनारे आएगा, किनारे आने के बाद तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल दिया जाएगा। पैरामीशियम भी एक कोशिका जीव है, इसके कोशिका एक निश्चित आकार होता है। तो जो आपका अमीबा होता है उसका निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन जो आपका पैरामीशियम है ये भी आपका एक कोशिकीय जीव है लेकिन इसका एक निश्चित आकार होता है। तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है, भोजन इस स्थान तक इधर पर देखिए, भोजन एक इस स्थान तक पक्षात की गति द्वारा पहुंचता है और कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है। अब जो जैसे आपका अमीबा है उसकी संरचना बिल्कुल पक्की है कि भाई इसकी स्थायी संरचना है। अब स्थायी संरचना होने के कारण क्या होगा कि उसका एक विशिष्ट स्थान होगा भोजन ग्रहण करने के लिए। भोजन इस स्थान तक किसके पक्षयाभ होते हैं आपके पैरामीशियम में, उसके द्वारा भोजन क्या करेगा उस स्थान तक जाएगा जहां से भोजन को ग्रहण करना है, गति करता हुआ, और आराम से खा लेगा वो, ठीक है अमीबा, वो सॉरी पैरामीशियम। और जो कोशिका की पूरी तरह सतह को ढके रहते हैं, और क्या होता है ये पक्षाप की गति द्वारा पहुंचता है, पक्षाप गति करेंगे भोजन पहुंचेगा, और जो पक्षाप होते हैं वो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। तो ये चीज आपकी हो गई मनुष्य में पोषण। देखिए टाइम बहुत हो चुका है आपका 45-46 मिनट, अब मनुष्य में पोषण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप थोड़ा इसको अमीबा को और देख लीजिए, जैसे अमीबा का पोषण है तो आप देखिए इसकी अगर आप ABCD आकृति देखेंगे तो आप इसमें बता पाएंगे कि ये चारों आकृतियां आपको सेम नहीं बल्कि अलग अलग दिखाई देगी। अब जो एक खाद कण आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, अब इस प्रकार से इनकी उंगलियों जैसे प्रवर्ध निकले, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, इसको देखिएगा इधर पे एक खाद कण, इसको देखा, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये आपका केंद्रक दिया हुआ है, इसकी जी इस प्रकार से उंगलियों जैसे पादप निकले और इसको घेर लिया, किसको, खाद्य पदार्थ को, खाद कण को घेर लिया, और घेरने के बाद इधर पे आप देखें कि पूरी तरीके से अपने अंदर कर लिया और खाद रिक्तियों में अंदर चला गया। अब अंदर जाके ये जो आपका कोशिका द्रव दिख रहा है इसमें जाके फैल जाएगा, बस बात खत्म, इतनी सी बात है, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा अगर आप पैरामीशियम जो आपका दिया हुआ है इसमें एक कोशिकीय जीव, याद रखिएगा एक कोशिकीय जीव कौन से, एक कोशिकीय जीव कौन से नहीं है, तो जो आपका पैरामीशियम है इसका आप गूगल करके एक बार चित्र देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम फोटो देख लें किसी चीज़ की तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो मनुष्य में पोषण हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।